Hello everyone, welcome once again in this process dynamic and control course for gate exam. So guys, ये इस कोर्स का लेसन नंबर 19 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम नॉन इंटरेक्टिंग एंड इंटरेक्टिंग टाइप. सो बेसिकली नॉन इंटरेक्टिंग एंड इंटरेक्टिंग सिस्टम जो है वो सिंथेटिक टाइप के सेकंड ऑर्डर सिस्टम होते हैं जिसे हम दो इंडिविजुअल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को कंबाइन करके हम सिंथेटिक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है वो फॉर्म करते हैं. ओके गाइस, सो ऑलरेडी इस कोर्स में मैं अभी तक 18th लेसन अपलोड कर चुका हूं. गाइस, आपको ये कोर्स कैसा लगा है आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ भी इस मेरे कोर्सेज से सीखने को मिल रहा है देन गाइस आप इन कोर्सेज को अपने अपने कलीग्स के साथ में, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ में, अपने जूनियर्स के साथ में आप शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट ये कोर्स है यहाँ पर जो मैं अपलोड कर रहा हूँ. देखिए गाइस, आपको कोई भी इसके लिए पेमेंट पे नहीं करना पड़ रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कोर्सेज मिल रहे हैं. तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो आप बेसिकली आपको एप्रिशिएट करना चाहिए उस पर्सन को जो ये चीज अपलोड कर रहा है, बिकॉज आप जब एप्रिशिएट करते हो तो एक मोटिव मिलता है अपलोड करने का कि स्टूडेंट को अगर बेनिफिट हो रहा है तो मैं कुछ अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के यहाँ पर ये कोर्सेज में अपलोड कर सकता हूँ. क्लियर है गाइस? ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर. सेकेंड ऑर्डर सिस्टम यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं जिसे मैंने लिख रहा हूँ रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इन सीरीज. अगर सीरीज में हम दो सिस्टम को एड करते हैं तो उस केस में जो ओवरऑल रिजल्टेंट जो हमें सिस्टम मिलता है उसे हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बोलते हैं. और बेसिकली ये देखिए, ये सिंथेटिक टाइप का सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है जिसे मैं बोल रहा हूँ मल्टी कैपेसिटी सिस्टम इन सीरीज. फर्स्ट जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम. नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ मैंने टैंक्स इन सीरीज. So, देखिए यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक डायग्राम जिससे आपको समझ में आ सके नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम का क्या मतलब रहता है. यहां पर एक टैंक ए हमारे पास में है. ओके, एक टैंक ए है जिसमें इनलेट स्ट्रीम क्यू नॉट है. क्यू नॉट डेविएशन वेरिएबल के टाइम में अगर लिखे तो क्यू नॉट टी हो जाएगा. इसमें जो होल्ड अप फ्लूइड है उसकी हाइट है एच वन, इसको भी आप डेविएशन वेरिएबल के टाइम में लिख सकते हो. इस टैंक का एरिया ए वन है. अगर मैं टाउ लिखूं, हमें पता है देखिए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते थे ys अपॉन xs इक्वल टू kp अपॉन tau p इनटू s प्लस 1. तो यहां पर ये जो tau p था, ये tau p होता था a इनटू r. उस टैंक का जो एरिया था मल्टीप्लाई बाय जो यहां पर रेजिस्टेंस. देखिए आउटलेट में एक स्ट्रीम है जहां पर जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो लगा हुआ है वहां पर रेजिस्टेंस r1% है. सो यहां से जो tau p हमें मिलता था वो होता था a इनटू r. तो a यहां पर स्टोरेज जो टैंक की कैपेसिटी है वो है इन आर, यहां पर रेजिस्टेंस है. सो मैं टाउ वन को लिख सकता हूं ए वन इंटू आर वन, ये मेरा टैंक वन हो गया, टैंक ए जिसे मैं लिख रहा हूं. नाउ सेकंड देखिए, इसकी जो आउटलेट स्ट्रीम जो है उसे मैं क्यू वन टी लिख रहा हूं, और ये बेसिकली इनलेट स्ट्रीम है यहां पर टैंक टू के लिए जिसे मैं टैंक बी लिख रहा हूं यहां पर. ओके, सो इस टैंक का एरिया ए टू है एंड इसमें जो होल्ड अप हाइट है उस को हम लिख रहे हैं एस टू टी. एंड आउटलेट में देखिए जो स्ट्रीम है वहां पर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है आर टू, और आउटलेट स्ट्रीम को मैं लिख रहा हूं क्यू टू टी. तो सिमिलरली यहां पर हम लिख सकते हैं टाउ टू इक्वल टू ए टू इंटू आर टू. ये अरेंजमेंट हमारा हो गया. नाउ अब यहां पर अगर आप देखो डायरेक्शन फ्लो की जो डायरेक्शन अगर हम देखें तो डायरेक्शन ऑफ चेंज वो ए से बी की तरफ है. मतलब टैंक ए से जो इनलेट स्ट्रीम आ रहा है वो देखिए टैंक बी में जाने वाला है. So, मैं यहां पर लिख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ चेंज इज फ्रॉम ए टू बी. क्लियर है ना? इसका मतलब अभी हम समझेंगे, देखिए आगे. सो अभी तक मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके का हमारे पास अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट को नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम बोलते हैं. और क्यों हम नॉन इंटरेक्टिंग बोलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. देखिए, वी कंसिडर द लिक्विड लेवल सिस्टम इन विच द टू टैंक्स आर अरेंज सो दैट द आउटलेट फ्लो फ्रॉम द फर्स्ट टैंक इज इन द इनलेट फ्लो टू द सेकेंड टैंक. फर्स्ट टैंक का जो आउटलेट है बेसिकली वो इनलेट फ्लो है फॉर द सेकेंड टैंक. अब नॉन इंटरेक्टिंग क्यों बोला इसको देखिए, द आउटलेट फ्लो फ्रॉम टैंक वन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्पिलिंग इनटू टैंक वन. मतलब ये जो फ्लो ये डायरेक्टली टैंक टू से कनेक्टेड नहीं है. क्लियर है? ये एटमॉस्फेयर में हम लोग स्पिल कर रहे हैं इसका आउटलेट, उसका अमाउंट हम बोल सकते हैं कि कुछ टैंक बी में जाने वाला है या कंप्लीट भी जाने, लेकिन डायरेक्टली मतलब हम बोल सकते हैं कि ये टोटली डिपेंडेंट नहीं. अगर ये फ्लो इसके साथ कनेक्टेड होता, क्लियर है, परमानेंटली कनेक्टेड हम जिसे बोल सकते हैं, तो उस केस में ये कंडीशन कुछ और होती है यहां पर. सो यहां पर वो लिखा मैंने द आउटलेट फ्लो फ्रॉम द टैंक वन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्पिलिंग द टैंक टू एंड द फ्लो थ्रू आर वन डिपेंड ओनली ऑन एच वन. मतलब जो यहां पर जो
फ्लो होने वाला है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है वो टोटली डिपेंड किस पर करेगा, इस हाइट एच वन पर। ये जो फ्लो है यहाँ पर रेजिस्टेंस है और ये हाइट है, ये तीनों पैरामीटर आपस में डिपेंड करेंगे। इस टैंक बी से बी पर इनका कोई भी पैरामीटर डिपेंड नहीं करेगा कि अगर इस टैंक में लेवल हाई होगा देन ये फ्लो कम होगा, इस टैंक में लेवल हाई होगा देन ये लेवल कम होगा, ऐसा कोई भी रिलेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? द वेरिएशन इन हाइट टू इन एच टू इन टैंक टू डज नॉट अफेक्ट द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स अकरिंग इन टैंक वन। टैंक वन में जो भी अनस्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स होगा उसमें उसका इफेक्ट टैंक टू पर कुछ भी नहीं आएगा। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज रेफर्ड एज अ नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम। क्लियर है? सो देखिए यहाँ पर अजम्पशन है, फर्स्ट कॉन्स्टेंट डेंसिटी, सेकंड टैंक टू हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन थ्री द फ्लो रेजिस्टेंस टू बी लीनियर। जो भी फ्लो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं आर वन एंड आर टू, वो टोटली वहां पर उस फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में ही प्रेजेंट रहेंगे। तो ये तो हो गया सिंपल अरेंजमेंट जिसे हम बोल रहे हैं नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम। नाउ अब देखिए हमारा पर्पज यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा पर्पज यहाँ पर है फाइंड ए ट्रांसफर फंक्शन, फाइंड ए ट्रांसफर फंक्शन जिसे मैं टी एफ लिख रहा हूं, ए ट्रांसफर फंक्शन दैट रिलेट हाइट एच टू टू क्यू नॉट। सो यहां पर हम एक ऐसा रिलेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं जो हाइट एच टू है वो डिपेंड करे इस इनलेट फ्लो पे। क्लियर है? इस तरीके का हम यहां पर रिलेशन डिराइव करने की ट्राई करेंगे। सो एच टू एस अपॉन क्यू नॉट एस, ये हमारा रहेगा ट्रांसफर फंक्शन जो हमें फाइंड करना है। सो फॉर नॉन इंटरेक्टिंग कैपेसिटीज इन सीरीज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी कैन बी मल्टीप्लाइड टू जनरेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओवरऑल। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब नॉन इंटरेक्टिंग हम सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं नॉन इंटरेक्टिंग। सो नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए जो इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन है, इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन देखिए अभी हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, और ओवरऑल जब हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है तो हम इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन और जिसे हम कैपेसिटी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन कैन बी मल्टीप्लाइड टू जनरेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओवरऑल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज है नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए। ओके, सो यहां पर मैं लिख रहा हूं दिस वैल्यू इज एप्लीकेबल फॉर एनी नंबर ऑफ टैंक। नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम में कितने भी टैंक कनेक्टेड हो, हम अगर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमें ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मिलने वाला। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं एच वन अपॉन क्यू नॉट एस, मतलब जो टैंक वन में जो हाइट है वो उसके इनलेट फ्लो के साथ में उसका जो रिलेशन होगा। हम लिख सकते हैं कि टैंक वन इंडिविजुअली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को फॉलो करता है, तो मैं लिख सकता हूं आर वन अपॉन टाउ वन इंटू एस प्लस वन, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन देखिए टैंक टू के लिए लिख सकता हूं एच टू एस अपॉन क्यू वन एस, इसकी इनलेट स्ट्रीम है, इक्वल टू आर टू अपॉन टाउ टू इंटू एस प्लस वन। सो हम ऑलरेडी लिक्विड लेवल सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, जहां पर हमने ये रिलेशन डिराइव किया था, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ये फर्स्ट ऑर्डर का जो ट्रांसफर फंक्शन है ये हमने डिराइव किया था। नाउ अब यहां पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ये रिलेशन, तो ये मेरी इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू हो गई। नाउ देखिए टैंक वन इंडिविजुअली मैं बोल सकता हूं, टैंक वन देखिए यहां पर टैंक वन के केस में जो हाइट है जो आउटलेट फ्लो रेट है क्यू वन, वो टैंक वन की हाइट पर डिपेंड करेगा एच वन अपॉन आर। सिमिलरली इसको R1 लिखेंगे, सिमिलरली टैंक 2 की जो आउटलेट स्ट्रीम है Q2, वो डिपेंड करेगा Q2 इक्वल टू H2 अपॉन R2। ये चीज क्लियर समझ आ रही है आपको? ओके, सो बेसिकली जब रेजिस्टेंस लीनियर होता है तो यहां पर आउटलेट स्ट्रीम उस टैंक की हाइट के साथ में कोरिलेट हम कर सकते हैं इस तरीके से Q1 इक्वल टू H1 अपॉन R1 Q2 इक्वल टू H2 अपॉन R2। नाउ अब हमने यहां पर ट्रांसफर फंक्शन जो लिखा है उसमें देखिए हम यूज करेंगे इस Q1 इक्वल टू H1 अपॉन R एंड Q2 इक्वल टू H2 अपॉन R का हम यहाँ पर R2 का यूज करेंगे। बिकॉज ये कंडीशन हम कब लिख सकते हैं, जब हमारा रेजिस्टेंस जो है सिस्टम का वो लीनियर हो। नाउ अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Q1S अपॉन Q0S कैसे मिला मुझे, देखिए ये बेसिकली होगा 1 अपॉन tau 1 into S plus 1, और सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ Q2S अपॉन Q1S इक्वल टू 1 अपॉन tau 2 into S plus 1। तो ये मेरी इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन यहां पर 4 है। ओके,
नाउ ये रिलेशन हमने कैसे लिखा है, देखिए ये जो ये इक्वेशन हमारे पास थी एच वन अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू आर वन अपॉन आर वन अपॉन एच वन इंटू टाउ वन इंटू एस प्लस वन, तो यहां पर हम इस क्यू वन को क्यू वन यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एच वन के प्लेस में, तो क्यू वन एच वन बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको आप कैपिटल एच वन लिख सकते हो, कैपिटल एच वन इक्वल टू हो जाएगा क्यू वन इंटू आर वन, तो इसको भी आप Q1 लिख लीजिए, तो ये जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो R1 से R2 के R1 कैंसिल हो जाएगा, जब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो Q2 R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तब हमें यहाँ पर रिलेशन जो बेसिकली मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए Q1 अपॉन Q0 और इधर में मिल जाएगा Q2 अपॉन Q1, वो इक्वेशन मैंने लिखी है जिनको इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 मैंने नंबरिंग किया है। नाउ अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं एक और रिलेशन कैलकुलेट कर सकता हूं H2S अपॉन Q0S, ओके ये कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, देखिए H2S अपॉन Q0, तो आप इक्वेशन वन को देखिए, इस इक्वेशन वन को आप देखोगे तो इसमें H1 अपॉन Q0 है, इसमें H1 अपॉन Q0 है, क्लियर है, एक मिनट रुकिए, सो यहां पर मैं आप प्रॉपर लिख देता हूं H2 अपॉन S H2 अपॉन Q0 हम कैसे, ये देखिए S जो लिखा है ये तो डेविएशन वेरिएबल को जब हम लाप्लास लेते हैं तो हमें S आ जाता है, T की जगह में हमें S मिलता है, सो H2 अपॉन Q0 को देखिए मैं कैसे लिखूंगा, H2S अपॉन Q1S into Q1S अपॉन Q0S, यहां से देखिए ये Q1 Q1 कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमें ये मिल जाएगा H2 अपॉन Q0, तो यहां पर मैं यही सब्स्टिट्यूट कभी करने वाला हूं, जो मेरी इक्वेशन है Q2 अपॉन Q1, ये Q2 अपॉन Q1 हो गया मेरा, और Q2 अपॉन Q1 के साथ में हम क्या लिखेंगे Q1 अपॉन Q0, ये वाली इक्वेशन, मतलब कि हमें ये रिलेशन मिल रहा है इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से हमें रिलेशन मिल जाएगा, हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर H2 अपॉन Q1 हमारे पास में है R2 अपॉन tau2 into s plus 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 3 से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tau1 into s plus 1, क्लियर है, ये देखिए मैंने यहां से ये यूज किया है एंड उसके बाद में ये यूज किया है, तो यहां से अल्टीमेटली मुझे Q2 अपॉन Q0 मिल जाएगा, देखिए मेरा टारगेट यहां पर है फाइनल जो आउटलेट जो हाइट है मतलब टैंक 2 की जो हाइट है उसको मैं यहां पर कोरिलेट कर रहा हूं ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में इनलेट स्टीम Q0 से, तो यहां पर मेरा टारगेट ये अचीव करना है, सो देखिए यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, इसको बस ये जो ट्रांसफर फंक्शन मिला है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर न्यूमरेटर में हमें मिल रहा है आर टू, डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है tau1 into s plus 1 into tau2 into s plus 1, और ये ट्रांसफर फंक्शन इक्वल है h2s upon q0s, तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको मैं यहां पर और कन्वर्ट करके लिख सकता हूं r2 upon डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा tau1 into tau2 s square plus tau1 plus tau2 into s plus 1, ये जो रिलेशन मिला है ये फाइनल ट्रांसफर फंक्शन यहां पर है, अब इसको देख सकते हो आप सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन ये मिला है हमें, इस इक्वेशन को आप याद रख सकते हो भी R2 upon tau1 into tau2 into s square plus tau1 plus tau2 into s plus 1. If the number of tank increase, then the speed of response decrease because the order of system increases. अब देखिए हमें पता है अगर सीरीज में हम कनेक्ट कर रहे हैं सिस्टम को, सो अगर नंबर ऑफ टैंक इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ टैंक अगर इंक्रीज होते हैं तो उस केस में बेसिकली क्या होगा, ये जो सिस्टम है इसका ऑर्डर यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा, ये जो एस इसको यहाँ पर सेकंड ऑर्डर जो मिल रहा है ये इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सिस्टम इंक्रीज करेंगे, उस केस में टैंक अगर इंक्रीज करते हैं तो उस केस में हमारा जो सिस्टम है वो स्लो होता जाएगा, सिस्टम जो है बेसिकली वो स्लो होगा बिकॉज हमें पता है जब ऑर्डर इंक्रीज करते हैं तो सिस्टम की स्पीड डिक्रीज होती है, क्लियर है ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं जो हमें अभी इक्वेशन मिली है फाइनली ट्रांसफर फंक्शन हमारा H2S अपॉन Q0S इक्वल टू आर टू अपॉन टाउ वन इंटू टाउ टू इंटू एस स्क्वायर प्लस टाउ वन प्लस टाउ टू इंटू एस प्लस वन, ये जो इक्वेशन मिली है इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 गिवन यहां पर नंबरिंग कर सकता हूं। नाउ अब देखिए हम कंपेयर करना चाहते हैं स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से, सो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास में है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज इक्वल टू सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है वाई एस अपॉन एक्सएस इक्वल टू के पी अपॉन टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस टू इंटू जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस वन, सो इसको मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 6 यहां पर नंबरिंग कर रहा हूं। सो देखिए अब इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 को हम कंपेयर कर सकते हैं, तो यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा टाउ स्क्वायर इक्वल टू
tau square equal to tau 1 into tau 2, and यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 zeta into tau equal to tau 1 plus tau 2, tau 1 plus tau 2. और यहाँ पर देखिए kp जो है प्रोसेस गेन, वो तो हमें डायरेक्टली मिल गया kp equal to r2, ये रिलेशन हो गया. नाउ अब देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं tau equal to square root of tau 1 into tau 2 हो गया, एंड यहां से मुझे zeta मिल जाएगा. देखिए zeta equal to tau 1 plus tau 2 into 2 tau हो जाएगा. यहां से मैं tau की वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो ये मुझे zeta मिल जाएगा. zeta equal to tau 1 plus tau 2 divide by 2 into square root of tau 1 into tau 2, ये रिलेशन हमें मिल गया. यहां पर बेसिकली ये जो tau है ये टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट इसको आप याद रख सकते हो, टाइम कांस्टेंट. अगर आप इस टाइम कांस्टेंट को देखते हो tau equal to square root of tau 1 into tau 2, तो हम इसको लिख सकते हैं बेसिकली ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ tau 1 एंड tau 2. जो टाइम कांस्टेंट है वो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन है tau 1 एंड tau 2 का स्क्वायर रूट ऑफ, डायरेक्टली आप इसे बोल सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ tau 1 into tau 2 को आप बोल सकते हो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ tau 1 एंड tau 2. नाउ ये तो हो गया टाइम कांस्टेंट. सेकंड डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर हम जिसे जीटा बोल रहे हैं, डैम्पिंग फैक्टर इक्वल डैम्पिंग फैक्टर जीटा. सो जीटा यहां पर हमें क्या मिल रहा है, जीटा इक्वल टू tau 1 plus tau 2 डिवाइड बाय 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tau 1 into tau 2. इसको देख के आप लिख सकते हो, देखिए ये जो डिनोमिनेटर में है tau 1 plus tau 2 डिवाइड बाय 2, तो इसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन. दो वैल्यू का अर्थमेटिक मीन हो गया tau 1 एंड tau 2 का. सो ये हो गया बेसिकली अर्थमेटिक मीन ऑफ tau 1 एंड tau 2. सिमिलरली डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी मैंने बताया, ये tau इक्वल टू था स्क्वायर रूट ऑफ tau 1 into tau 2, जो कि ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ tau 1 एंड tau 2. ओके, सो हमें जीटा मिल गया बेसिकली अर्थमेटिक मीन ऑफ tau 1 एंड tau 2 डिवाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ tau 1 एंड tau 2. नाउ अब हमें एक चीज पता है, देखिए आप लिख सकते हो कि अर्थमेटिक मीन जो होता है बेसिकली किन्हीं दो नंबर के लिए, वो उनके ज्योमेट्रिक मीन से ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, या फिर एक केस में वो इक्वल हो सकता है जब tau 1 इज इक्वल टू tau 2 हो. सो ये इंपॉर्टेंट चीज रिलेशन यहां पर मैंने लिख दिया कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन फॉर tau 1 एंड tau 2, किसी भी वैल्यू के लिए बेसिकली रहेगा. ओके, नाउ अब केस 1 में यहां पर लिख रहा हूं, केस 1 यहां पर है फॉर tau 1 इज इक्वल टू tau 2. जब tau 1 इक्वल टू tau 2 होगा, क्लियर है, कोई भी दो नंबर जब सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो उस केस में उनका अर्थमेटिक मीन जो होता है बेसिकली वो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है. केस 2 यहां पर है जब tau 1 tau 2 के नॉट इक्वल है ना, tau 1 इज नॉट इक्वल टू tau 2, देन उस केस में अर्थमेटिक मीन जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन के केस में. मींस मोस्टली जो कंडीशन हमें मिलेगी वो मिलेगी ये वाली सेकंड, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन. सिर्फ एक ही केस में हमें अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मिलता है. क्लियर है? सो फॉर नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम हमने अभी तक क्या क्या यहां पर डिराइव किया, फॉर नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम सबसे पहले हमने यहां पर ट्रांसफर फंक्शन के डिराइव किया था. फॉर नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम H2S अपॉन Q नॉट S इक्वल टू R2 अपॉन tau 1 इंटू tau 2 इंटू S स्क्वायर प्लस tau 1 प्लस tau 2 इंटू S प्लस 1. ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन था. देन उसके बाद में हमने लिखा tau इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tau 1 इंटू tau 2 टाइम कॉन्स्टेंट. देन उसके बाद में हमने डैम्पिंग फैक्टर लिखा tau 1 plus tau 2 divide by 2 upon square root of tau 1 into tau 2, जो कि है basically arithmetic mean of tau 1 and tau 2 upon geometric mean of tau 1 and tau 2. क्लियर है? सो हमने उसके बाद में दो कंडीशन देखी. फर्स्ट कंडीशन थी जब tau 1 equal to tau 2 हो, केस 1. फर्स्ट कंडीशन हमारा जब tau 1 equal to tau 2 हो, तो उस केस में arithmetic mean basically geometric mean के इक्वल होगा. अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है फॉर द टू टाइम कनेक्टेड इन द सीरीज आर सिमिलियर. तो उस केस में देखिए जब अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, तो हमें यहां से जीटा क्या मिल जाएगा, जीटा इक्वल टू 1, बिकॉज अर्थमेटिक मीन अपॉन ज्योमेट्रिक मीन है, और अर्थमेटिक मीन अगर ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो गया तो जीटा इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया. और जब जीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम. ये चीज क्लियर है यहां से? मतलब कि जो नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम होता है वो क्रिटिकली डैम्प सिस्टम होता है अगर
tau1 equal to tau2 हो, दोनों सिस्टम के लिए जो टाइम कांस्टेंट है वो अगर इक्वल हो। हमें पता है tau1 पहले केस के लिए था a1 into r1 and second केस के लिए था tau2 a2 into r2। अगर इन टैंक का रेजिस्टेंस और जो यहाँ पर एरिया है अगर वो इक्वल हो जाए, मतलब एक्जेक्टली tau1 इक्वल टू tau2 जब हो जाए, तो उस केस में हम बोलेंगे कि सिस्टम हमारा क्रिटिकली डैम्प है, डैम्पिंग फैक्टर इक्वल टू 1 होगा। सेकंड केस देखिए, tau1 नॉट इक्वल टू tau2 का केस है, उस केस में जो अर्थमेटिक मीन है वो ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन होगा। ये चीज हमने देखी लास्ट स्लाइड में भी। सो यहां से देखिए, मैं बोल सकता हूं कि देखिए अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन, सो अर्थमेटिक मीन न्यूमरेटर में है, ज्योमेट्रिक मीन डिनोमेटर में है। सो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जीटा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा इस केस में। सो अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, ओवरडैम कंडीशन। ये सेकंड केस हो गया हमारा ओवरडैम केस। ओके, ओवरडैम सिस्टम ये हो गया, मतलब नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम ओवरडैम्ड होगा अगर tau1 नॉट इक्वल टू tau2 होगा उस केस में। सो अगर हम मोस्टली कमेंट करना चाहे कि मोस्टली कैसा बिहेवियर हमें नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम जो है उससे हमें मिलेगा, सो बेसिकली अगर हम देखें तो ओवरडैम सिस्टम हमें वहां से मिलने वाला है। जीटा मोस्टली टाइम तो जीटा ग्रेटर देन 1 होने वाला है, सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पर जीटा इक्वल टू 1 रहेगा और सिस्टम हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड रहेगा। मींस अगर मैं कमेंट करूं इस सिस्टम पे, नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम पे, देन मैं बोल सकता हूं नॉन इंटरैक्टिंग कैपेसिटीज कनेक्टेड इन सीरीज बिहेव एज अ ओवरडैम्प्ड, non-interacting system behave as overdamped and critically damped। So यहाँ पर देखिए non-interacting system दो ही condition show करने वाले हैं, non-interacting capacities हम बोल सकते हैं, capacities का मतलब जहाँ पर hold up होता है। So non-interacting capacities के लिए हम बोल सकते हैं पहली condition overdamped and second condition critically damped। Clear है, critically damped। तो क्रिटिकली डैम्प्ड हमें मिलता है जब tau1 इक्वल टू tau2 हो और नॉट ओवरडैम्प्ड हमें मिलता है जब tau1 इज नॉट इक्वल टू tau2 हो। अगर जीटा की टर्म में हम देखें तो जीटा ग्रेटर देन 1 एंड जीटा इक्वल टू 1, ये चीज हमें पता है। सो नॉन इंटरैक्टिंग टर्म इस तरीके से बिहेव करेगा। जब मैंने स्टार्टिंग में सेकंड ऑर्डर सिस्टम की एग्जांपल आपको बताया तो उस केस में मैंने बताया था कि नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम के ब्रैकेट में मैंने लिख रखा था कि नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम सिंथेटिक सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो ओवरडैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड होता है, उसका मतलब यही था। अभी हमने इस चीज को डिराइव कर लिया। सो ओवरडैम्प्ड इज बेटर। ओके, ओवरडैम्प्ड अगर हम कमेंट करना चाहिए कि इसमें से कौन सा आंसर, अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि मोस्ट प्रिफरेबली आंसर आपको चूज करना है कि नॉन इंटरैक्टिंग कैपेसिटीज कैसा बिहेवियर शो करेंगे, ओवरडैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड, इस तरीके से है ना, और नन ऑफ दिस करके, तो उस केस में अगर मोस्ट प्रिफरेबली टाइप का अगर आंसर आपको पूछा है तो आपको ओवरडैम्प्ड देना चाहिए, बिकॉज मोस्टली तो ओवरडैम्प्ड ही आंसर रहेगा, ओनली एक ही कंडीशन है जहां पर आपका सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। सो ओवरडैम्प्ड इज बेटर ऑप्शन फ्रॉम क्रिटिकली डैम्प्ड बिकॉज क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम इज ओनली पॉसिबल इन वन कंडीशन tau1 इज इक्वल टू tau2, अदरवाइज द सिस्टम इज ऑलवेज ओवरडैम्प्ड। तो ये हो गया कंप्लीट मेरा नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम। नाउ अब मेरा सेकंड जो सिस्टम होगा वो रहेगा इंटरैक्टिंग सिस्टम। क्लियर है? सो इंटरैक्टिंग सिस्टम देखिए यहां पर क्या मतलब होता है इंटरैक्टिंग सिस्टम का। द आउटलेट फ्लो फ्रॉम टैंक 1 डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्पिलिंग इनटू टैंक 2 एंड द फ्लो थ्रू आर वन डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एच वन एंड एच टू। दिस टाइप ऑफ सिस्टम रेफर टू एज इंटरैक्टिंग सिस्टम। मैं पहले यहां पर देखिए डायग्राम एक ड्रॉ कर देता हूं इसके लिए। ये मेरा टैंक ए है, इस टैंक ए में इनलेट स्ट्रीम देखिए अगेन क्यू नॉट टी है और यहां पर ओके यहां से आउटलेट स्ट्रीम जो है मेरा वो क्यू टू टी है, यहां पर रेजिस्टेंस आर टू है, यहां पर रेजिस्टेंस आर वन है। ओके, ये टैंक बी है, टैंक बी के लिए एरिया मेरा A2 है, टैंक A के लिए एरिया A1 है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मैं बता चुका हूँ, फ्लो लिख देता हूँ Q1T, ओके, इनलेट स्ट्रीम हो गया, हाइट हम लिख सकते हैं H1T और इसके लिए हम लिखेंगे H2T, जो यहाँ पर होल्डर हाइट है दोनों टैंक में वो रिस्पेक्टिवली H1 एंड H2 है। यहां तक क्लियर है चीज? सो अब देखिए अगर मैं फ्लो डायरेक्शन देखूं तो फ्लो डायरेक्शन देखिए A टू B भी हो सकता है और B टू A भी हो सकता है। क्लियर है? दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। जो नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम था वहां पर ए से बी की तरफ डायरेक्शन पॉसिबल था बिकॉज बी टैंक से विदाउट पंप के हम लोग ए टैंक में जो फ्लूड है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते थे बिकॉज हाइट की वजह से वहां पर जो फ्लो डायरेक्शन था वो ए टू बी था, लेकिन यहां पर जो है वो फ्लो डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। ओके, नाउ ये हो गया अरेंजमेंट मेरा।
अब देखिए फिर से हम एक बार पढ़ते हैं, द आउटलेट फ्लो फ्रॉम टैंक वन डिस्चार्ज डायरेक्टली इन टू द एटमोस्फेयर बिफोर स्पिलिंग इन टू द टैंक टू एंड द फ्लो थ्रू आर वन डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन. सो यहां पर देखिए द फ्लो थ्रू आर वन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एच वन एंड एच टू एंड दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज रेफर्ड टू एज अ इंटरेक्टिंग सिस्टम. ओके, सो इस टाइप के सिस्टम को हम इंटरेक्टिंग सिस्टम बोलते हैं. जब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो फ्लो है बेसिकली क्यू वन, इस आर वन में से जो फ्लो होगा, ओके, वो डिपेंड करेगा बेसिकली इन दोनों हाइट, टैंक वन में कितनी हाइट है और टैंक टू में कितनी हाइट है. क्लियर है? सो देखिए अगर टैंक टू की हाइट कम रहती है तो उस केस में ये जो फ्लो है यहाँ पर ये मोर ज्यादा रहेगा उस केस में. अगर टैंक टू की हाइट इंक्रीज हो जाती है देन इस केस में ये जो फ्लो है ये डिक्रीज हो जाएगा. इस तरीके का ये अरेंजमेंट रहेगा इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए. सो यहाँ पर देखिए हम अब लिखते हैं फॉर टैंक वन हम लिख सकते हैं क्यू नॉट माइनस क्यू वन इक्वल टू ए वन इंटू डी एच वन अपॉन डी टी. ओके, ये बैलेंस मैंने लिख दिया. और अब देखिए मैं अगर क्यू वन लिखना चाहूं तो क्यू वन बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, एच वन माइनस एच टू अपॉन आर वन. ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर. ये जो रिलेशन मैंने लिखा है क्यू वन इक्वल टू एच वन माइनस एच टू अपॉन आर वन, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ओके, सिमिलरली यहां से मुझे मिल जाएगा क्यू नॉट माइनस, सो क्यू वन में यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, एच वन माइनस एच टू अपॉन आर वन इक्वल टू ए वन इंटू डी एच वन अपॉन डी टी. ये रिलेशन हो गया मेरा. इसको मैं इक्वेशन वन लिख रहा हूं यहां पर. ओके, इसको इक्वेशन वन लिख देते हैं, इसको ये वाला इक्वेशन वन. नाउ अब देखिए सिमिलरली फॉर टैंक टू हम लिख सकते हैं फॉर टैंक टू क्यू वन माइनस क्यू टू. सो यहां पर बस मैं मास बैलेंस अप्लाई कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं बिकॉज ऑलरेडी हमने लिक्विड लेवल सिस्टम अच्छे से डिस्कस किया तो बैलेंस लिखना हमको आता है बेसिकली. ओके, सो अब टैंक टू के लिए देखिए, टैंक टू के लिए क्यू टू इक्वल टू होगा सिमिलरली जैसा इंटरेक्टिंग सिस्टम में था उसी तरीके से एच टू अपॉन आर टू. तो यहां पर जो क्यू टू है बेसिकली वो होगा क्यू टू जो है वो होगा एच टू अपॉन आर टू. और यहां पर इस केस में जो Q1 रहेगा वो रहेगा H1 माइनस H2 अपॉन R1. ये रिलेशन आपको समझ आना चाहिए दोनों टैंक के लिए. यही डिफरेंस है यहां पर, इसी पर बेस जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन रहेगा वो भी डिफरेंट होगा. सो Q1 माइनस H2 अपॉन R2 इक्वल टू A2 इंटू DH2 अपॉन DT. ये मेरी इक्वेशन टू हो गई. ओके, सो यहां पर देखिए जो Q1 है बेसिकली वो टैंक 1 की हाइट की वजह से भी अफेक्ट हो रही है और टैंक 2 की हाइट की वजह से भी वो अफेक्ट हो रही है. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसकी वजह से ही हमने यहां पर Q1 इक्वल टू H1 माइनस H2 अपॉन R1 लिखा है. सिर्फ अब मैं लिख सकता हूं, देखिए यहां पर अब यहां पर मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन वन. तो इक्वेशन वन यहां पर कौन सी है, ये वाली जो इक्वेशन है. ओके, सो यहां से मैं लिख सकता हूं Q0 माइनस Q1S इक्वल टू ए वन इंटू एस इंटू एच वन एस. ये बेसिकली इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं. ये देखिए अगर इस इक्वेशन का हम डेविएशन वेरिएबल के टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, Q1 इनको मैंने इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू लिखा है, इसको आप इक्वेशन स्टार एंड इसको आप इक्वेशन डबल स्टार लिख लीजिए. सो मैं इक्वेशन स्टार से यहां पर लिख रहा हूं, इक्वेशन स्टार जो मैंने नंबरिंग किया है उससे मैं लिख रहा हूं, इसका डेविएशन वेरिएबल की टर्म में लिख रहा हूं क्यू नॉट एस माइनस क्यू वन एस इक्वल टू ए वन इंटू एस इंटू एच वन. मतलब अगर मैं उसका लाप्लास लेता हूं तो लाप्लास के केस में ये देखिए डेविएशन वेरिएबल की टर्म में टी की फॉर्म में लिखा होगा. सो ये क्यू नॉट एस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यू वन एस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ए वन कॉन्स्टेंट है. और ये जो है यहां पर डी एच वन अपॉन डी टी, तो इस डिफरेंशिएशन के लिए लाप्लास हो जाएगा एस इंटू एच वन एस प्लस एच जीरो होगा, तो एच जीरो को हमने डायरेक्टली जीरो लिख दिया यहां पर. सो अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर थ्री, मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूं, यहां से मुझे मिल जाएगा Q1S इक्वल टू H1S माइनस H2S अपॉन R1. ये कहां से लिखा हूं मैं, इस इक्वेशन से. देखिए ये Q जो है, जो भी मैंने स्मॉल में Q लिखी थी यहां पर देखिए लाप्लास के बाद में मैंने इनको कैपिटल Q से मतलब कि रिप्लेस कर दिया, तो उसका कुछ इंपैक्ट नहीं, आप स्मॉल में भी रहने दे सकते हो, आपको समझ आना चाहिए बस इनलेट और आउटलेट स्ट्रीम. सो यहां से मैंने लिख दिया Q1S इक्वल टू H1S माइनस H2S अपॉन R. ये इक्वेशन नंबर फोर हो गई. ओके, नाउ देखिए कंटिन्यू भी हम लिखते हैं इसको आगे.
सिमिलरली ये जो इक्वेशन डबल स्टार मैंने लिखी थी, इक्वेशन डबल स्टार वाली और ये जो इक्वेशन है, इससे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन डबल स्टार, इक्वेशन डबल स्टार से मैं लिख सकता हूँ Q1S माइनस Q2S इक्वल टू A2 इंटू S इंटू H2S, ये इक्वेशन नंबर हो गया यहाँ पर 5। देन उसके बाद में जो Q2 के लिए इक्वेशन हमारे पास में थी, Q2 इक्वल टू H2 अपॉन R2, यहां से हम लिख सकते हैं लाप्लास लेने के बाद में ये हो जाएगा Q2S इक्वल टू H2S अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, ओके, सो यहां पर बेसिकली जो मेरी इक्वेशन 1, 2, 3, 4 में बोल रहा हूं वो यहां पर मैंने लिखा है इनको इक्वेशन 3, 4, इक्वेशन 5, 6। सो यहां पर देखिए हम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 है, अगर हम सोल्व करेंगे H2S अपॉन Q0S तो हमें जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन है वो मिलेगा R2 अपॉन Tau1 इंटू Tau2 इंटू S स्क्वेयर प्लस Tau1 प्लस Tau2 प्लस A1 इंटू R2। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, Tau1 प्लस Tau2 प्लस A1 इंटू R2 इंटू S प्लस 1। तो ये जो इक्वेशन नंबर है इसको आप इक्वेशन नंबर 7 यहां पर दे सकते हो। ओके, ये अल्टीमेटली ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। नॉन इंटरैक्टिंग सिस्टम के लिए ये फाइनल ट्रांसफर फंक्शन है मेरा, जो मैंने लिखा है H2 अपॉन Q0 इक्वल टू R2 अपॉन Tau1 इंटू Tau2 इंटू S स्क्वायर प्लस Tau1 प्लस Tau2 इंटू A1 इंटू R2 इंटू S प्लस 1। ये जो टाइम है मैंने इसको यहां पर देखिए इसलिए अंडरलाइन किया है बिकॉज ये देखिए यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है यहां पर, ऐसा नहीं है गलत है, A1 इंटू R2। तो आपको याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट एरिया फर्स्ट टैंक के लिए और रेजिस्टेंस सेकंड टैंक के लिए, ये टर्म यहां पर डिनोमिनेटर में आ रही क्रॉस प्रोडक्ट। सो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से आप कंपेयर कर सकते हो इसको, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन YS अपॉन XS इक्वल टू KP अपॉन Tau स्क्वायर इंटू S स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा इंटू Tau इंटू S प्लस 1। ये मेरा स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन हो गया था कि यहां से अभी देखिए क्या मिलेगा, Tau मुझे सेम मिल रहा है, Tau स्क्वायर इक्वल टू Tau1 प्लस Tau1 इंटू Tau2 मिल रहा है, Tau स्क्वायर इक्वल टू Tau1 इंटू Tau2 तो मुझे यहां से मिल गया। सिमिलरली Tau इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Tau1 इंटू Tau2। ओके, नाउ सेकंड चीज देखिए, अगर केपी आप देखोगे तो केपी यहां पर R2 है, केपी इक्वल टू R2, ये चेंज नहीं हुआ है, केपी वहां पे भी हमें R2 मिला था इंटरेक्टिंग सिस्टम में भी। सो नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए जो टाइम चेंज हमें मिल रही है वो मिल रही है देखिए यहां पर 2 zeta into tau में क्या मिल रहा है, Tau1 प्लस Tau2 प्लस क्रॉस प्रोडक्ट A1 into R2, ये रिलेशन हमें मिल रहा है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं देखिए जीटा इक्वल टू Tau1 प्लस Tau2, मैंने क्या किया यहां पर इन दोनों टाइम को सेपरेट कर दिया, अपॉन 2 Tau प्लस A1 into R2 अपॉन 2 into Tau। तो ये रिलेशन तो मुझे जीटा के लिए वहां पर भी मिला था, लेकिन यहां पर एक ही एक्स्ट्रा टर्म हमें मिल रही है A1 इंटू R2 अपॉन 2 इंटू Tau। तो इससे मैं लिख सकता हूं कि जो जीटा है डैम्पिंग फैक्टर वो बेसिकली क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ Tau1 एंड Tau2 अपॉन ज्योमेट्रिक, ये Tau हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा बेसिकली डिनोमेटर में स्क्वायर रूट ऑफ Tau1 इंटू Tau2 और न्यूमेरेटर में Tau1 प्लस Tau2 डिवाइड बाय R2 लिख सकते हो। तो न्यूमेरेटर हो गया अर्थमेटिक मीन ऑफ Tau1 एंड Tau2 और डिनोमेटर हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Tau1 एंड Tau2 प्लस यहां पर एक टाइम आ रही है A1 इंटू R2 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Tau1 इंटू Tau2। Tau मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ Tau1 इंटू Tau2। सो अब देखिए यहां पर मोस्टली जो केसेस हैं हम डिस्कस करते हैं उसके लिए इन जनरल में लिखता हूं, इन जनरल में अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और हमें पता है इक्वल वाला कंडीशन कब होता है, जब Tau1 इक्वल टू Tau2 हो। So, अगर हम यहां पर इस ये कंडीशन चेक करें तो हमें ये चीज पता है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ऑलवेज ग्रेटर देन रहता है, तो यहां पर जो अगर 1 भी हो जाए मतलब Tau1 इक्वल टू Tau2 भी अगर हो जाए तो उस केस में भी हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, तो यहां पर 1 तो आने वाला है। 1 के साथ में देखिए ऑलवेज एक टर्म यहां पर एड होने वाली है, अगर Tau1 इक्वल टू Tau2 वाला कंडीशन हो जाए उस केस में भी यहां पर कुछ टाइम एक एड होने वाली है। सो और ये जो कि पॉजिटिव टाइम है तो हम बोल सकते हैं कि जीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, जीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर Tau1 एंड Tau2। Tau1 एंड Tau2 की कोई भी वैल्यू हो चाहे वो इक्वली क्यों ना हो, यहां पर हमें जीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 मिलेगा इंटरेक्टिंग सिस्टम के केस में। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहां पर, जीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम, सॉरी फॉर इंटरेक्टिंग सिस्टम,
इंटरेक्टिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, नॉन इंटरेक्टिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इंटरेक्टिंग में तो हमें दो कंडीशन मिली थी, पहले जीटा इक्वल टू वन मिल रहा था और फिर जीटा इज ग्रेटर देन वन मिल रहा था, लेकिन यहाँ इस केस में ऑलवेज जीटा ग्रेटर देन वन होगा फॉर इंटरेक्टिंग सिस्टम। सो हम बोल सकते हैं कि इंटरेक्टिंग सिस्टम क्या होगा, ऑलवेज ओवरडैम्प्ड होगा, ओवरडैम्प होगा ऑलवेज, इंटरेक्टिंग सिस्टम जो है वो ऑलवेज ओवरडैम्प्ड होगा। ये चीज हमें यहां से रिलेशन मिल गया। नाउ नेक्स्ट देखिए, मैं यहां पर लिख सकता हूं पहला केस, वही चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं डायरेक्टली जो मैंने बता दिया भी। पहला केस अगर आप tau1 इक्वल टू tau2 कंसीडर करो, इफ tau1 इज इक्वल टू tau2, बिकॉज उस केस में अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, लेकिन यहां पर तो मुझे जीटा इक्वल टू मिला है अर्थमेटिक मीन ऑफ tau1 एंड tau2 अपॉन tau1 एंड tau2 अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ tau1 एंड tau2, उसके साथ में एक टर्म हमेशा एड हो रही है जो है a1 into r2 डिवाइड बाय 2 into square root of tau1 into tau2। ये रिलेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं यहां पर, क्लियर है? सो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर a1 into r2, तो ये चीज आपको देखनी है। तो यहां पर ये टर्म 1 आ जाएगी, फिर भी इसके साथ में हम देख सकते हैं जब अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन है उसके साथ में a1 into r2 टर्म यहां पर पेंडिंग है। सो ये जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहां से मुझे जीटा इज ग्रेटर देन 1 मिला, मतलब कि मुझे ओवरडैम्प्ड सिस्टम मिला। सिमिलरली केस टू अगर आप कंसिडर करोगे तो केस टू में भी आपको यहां पर इफ tau1 इज नॉट इक्वल टू tau2, उस केस में बेसिकली ये जो वैल्यू है ये भी ग्रेटर देन 1 होगी और इसके साथ में कुछ टाइम एड हो रही है a1 into r2 upon 2 into square root of tau1 plus tau1 into tau2, तो उस केस में भी जीटा यहां पर ग्रेटर देन 1 मिलेगा, तो वहां पे भी हमें सिस्टम ओवरडैम मिलेगा। सो वी कैन से दैट द इंटरेक्टिंग सिस्टम इन सीरीज इज ऑलवेज ओवरडैम्प्ड, इज ऑलवेज ओवरडैम्प्ड, ओवरडैम्प्ड जिसके लिए जीटा इज ग्रेटर देन वन कंडीशन रहेगी यहां पर। ओके सो अब यहां पर एक चीज बोल सकते हैं, देखिए नोट मैंने लिखा है, इन केस ऑफ इंटरेक्टिंग सिस्टम, इन केस ऑफ द इंटरेक्टिंग सिस्टम व्हिच इज ऑलवेज ओवरडैम्प्ड, इट्स रिस्पांस विल बी स्लगिश एज कंपेयर्ड टू नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम। बिकॉज ओवरडैम्प्ड सिस्टम में पता है सबसे मतलब ओवरडैम्प्ड जो सिस्टम है वो बेसिकली स्लो सिस्टम रहेगा जिसके लिए जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है। ओके अगर हम बात करें इंटरेक्टिंग सिस्टम की, नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम की, इंटरेक्टिंग सिस्टम के लिए हमेशा ओवरडैम्प हमें मिल रहा है। इंटरेक्टिंग सिस्टम में तो हमें दो कंडीशन मिली थी, जीटा इक्वल टू 1 एंड जीटा इज ग्रेटर देन 1, तो ये जो कंडीशन थी ये क्रिटिकली डैम्प्ड होता है। क्रिटिकली डैम्प्ड की अगर हम बात करें तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम ओवरडैम्प सिस्टम से फास्ट होते हैं, तो ओवरऑल अगर हम बोले तो इंटरेक्टिंग सिस्टम ज्यादा स्लगिश होंगे नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम से, ये चीज हम जीटा के बेस पर कमेंट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं अगर स्पीड की बात करें, सो tau, tau इज द टाइम कांस्टेंट, tau स्पीड का मतलब जो होता है वो टाइम कांस्टेंट से, अगर किसी सिस्टम की स्पीड ज्यादा है मींस उसका जो टाइम कांस्टेंट है, ओके ओके, अगर वो सिस्टम स्लो है तो उसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा रहेगा। इसलिए देखिए मैं बोल सकता हूं tau फॉर इंटरेक्टिंग सिस्टम, फॉर इंटरेक्टिंग सिस्टम इज ग्रेटर देन टू नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम, क्लियर है? ओके, बिकॉज जीटा इज हाइयर, सो अगर जीटा हाई होता है, इफ जीटा इज हाइयर मींस द स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स इज स्लो। ओके, आप यहां पर ड्रॉ करके भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए yt वर्सेस t के लिए मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, तो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स कुछ यहां पर है। देखिए दोनों सिस्टम अल्टीमेट वैल्यू को, जो सिस्टम की अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स है उसको अचीव करेंगे, लेकिन उसको अचीव करने में देखिए कौन से सिस्टम को कितना टाइम लग रहा है वो डिपेंड करेगा कि वो सिस्टम इंटरेक्टिंग है नॉन इंटरेक्टिंग है। अगर सिस्टम इंटरेक्टिंग होगा तो उसका जो tau होगा वो ग्रेटर देन होगा tau1 से, क्लियर है? यहां पर इसका tau1 है लाइक, और tau1 एंड tau2 का मीनिंग क्या होता है, जब सिस्टम अपने अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स का 63.2% अचीव कर लेता है, ये चीज हम डिफाइन करते थे tau के लिए, क्लियर है? यहां से तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो रेस्पॉन्स मैंने ये जो ड्रॉ किया फर्स्ट वाला जो स्लो है सिस्टम, ये हो जाएगा मेरा इंटरेक्टिंग, और ये जो सेकंड, इसको मैं सेकंड नंबरिंग दे रहा हूं, ये रेस्पॉन्स हो जाएगा मेरा नॉन इंटरेक्टिंग।
ओके तो ये था कंप्लीट इंटरेक्टिंग एंड नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम, जिसमें हमने कंपेयर किया दोनों सिस्टम को कि कौन सा फास्ट होगा कौन सा स्लो होगा, दोनों के लिए हमने जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन है वो हमने कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट ये टॉपिक पढ़ा सिंथेटिक टाइप के सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो होते हैं। नाउ अब जो नेक्स्ट लेसन में रहेगा देखिए उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑन द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अभी तक जो लास्ट दो लेसन में हमने थ्योरी पूरा पोर्शन पढ़ा है उस पर बेस सारे न्यूमेरिकल में नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करूंगा। देन उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो अभी लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया सीरीज में न्यूमेरिकल ऑन द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इन सीरीज, इस पर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में इन दो टॉपिक्स है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो अभी तक हमने कवर किया है उस पर बेस जितने भी गेट प्रीवियसर के क्वेश्चन जो रह गए हैं वो सब क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ओके गाइस तो नेक्स्ट लेसन भी आपको देखना है यहाँ पर। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल कैमगेट अकेडमी।